अच्छा महिला आगे बढ़ाएंगी। थैंक यू सो मच माइक हेना। अस्सलाम वालेकुम हेना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सही कैसी हैं जी? आप सेट हैं? एक दिन का कंपटीशन है सिर्फ। जी जी, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, वरना 5 दिन का होता है तो चलो बंदा अप एंड डाउन करके थोड़ा बहुत नर्वस होता है पहले दिन। तो हेना तुम ये सोच कर आई हो ना कि यही दिन है जिसमें अपने सारे हुनर दिखाने? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, कितना अर्सा हो गया तुम्हें? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल में? छोटी सी थी बिल्कुल जब आई? नहीं 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 लेकिन ये कि अभी भी मुझे बहुत शौक है सीखने का ना, मैं अभी भी सीखती हूँ। प्राइवेट करती हो अपना? जी जी, मेरा अपना सैलून है, मेरी अपनी बेटी के नाम से। अच्छा, कोई भी जॉब नहीं कर रहा मुझे लग रहा है? सबके सैलून, सबके सैलून। आप जस्ट इमेजिन कितने सैलून होंगे पाकिस्तान में। तो ये तो हुआ है एकदम सैलून, तो ऐसे लग रहा है इट्स कमिंग लाइक मशरूम्स, यू ग्रो कर रहा है। हर पड़ोस में, हर इलाके में एक सैलून है, वो वाली चीज है। हाँ जी, आगे बढ़ाइए। अनम सलमान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अनम सलमान का एक्सपीरियंस कितना है? मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का ही है। अच्छा जी, वो होता है ना कि अक्सर बंदा सीख रहा होता है, तो आपने किससे सीखा? सीखा तो काफी सारी जगहों से है। अच्छा। लेकिन ये है कि अब अपना सैलून स्टार्ट किया तो जो काम करने के बाद यूट्यूब चैनल से भी बंदा सीख लेता है ना। बहुत सारे लोग तो यूट्यूब चैनल से ट्यूटोरियल्स वगैरह इतने अच्छे आ गए। लड़कियां आती हैं जब वो चेयर पे बैठती हैं तो कहती हैं आई नो मेकअप। अच्छा भाई, आपने कहाँ से सीखा? आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। पूछो कहाँ से सीखा? यूट्यूब। सब आपस की बात है। वैसे तो जाहिर है जो हम एक्टर्स होते हैं या होस्ट होते हैं तो वो डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाते हैं, तो एक आंख खोल के तो मैं थोड़ा बहुत देख रही होती थी। मगर सबा जैसे अब कभी मैं कहीं शादी वादी में जा रही हूँ और मैंने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट करते हैं, तो मैंने लगाया यूट्यूब और मैंने अगर कॉर्नर वाली आईज करनी है या शिमरी, सो उसमें ना वो बड़ी टेक्निक्स बड़ी लेटेस्ट बता रहे हैं। बड़ी लेटेस्ट, बहुत अच्छी। और मैं करके चली जाती हूँ तो मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट जो रोज मेकअप करते शो का, वो पूछते हैं ये आपने कहीं से करवाया है? मैंने कहा नहीं, मैंने खुद। सो बड़ा यूट्यूब पे भी बड़ा डिटेल में समझाया जा रहा है। डिटेल में है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। हाँ जी, तो अनम आपको अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि माशाल्लाह यहाँ आपके अलावा 7 लोग हैं और टोटल 8 है। अब करेंगे तो पता चलेगा। आज थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, फर्स्ट टाइम है इसलिए। मैंने देखी मॉडल्स की ना वहाँ पर्चियाँ बना के रखी है, तो ये हम बिल्कुल इंसाफ से चलेंगे। वो पर्चियों में से जिसके पास जो पर्ची, कभी कभार ऐसा भी होता है किसी उनके पास ऐसी मॉडल आती है जिसका चेहरे पे ना मेकअप मेकअप बहुत अच्छा लगता है। ये तो हम हमेशा पुराने भी जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उसमें हमने यही एक्सपीरियंस किया कि कभी कभार आपकी लक होती है, आपको ऐसा फेस मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा मेकअप फेस होता है। बिल्कुल, और ये तो हम भी डेली बेसिस पे देखते हैं कि देयर आर फेसेस। अच्छा, आप क्या करती हैं सबा? आपकी कुर्सी पर सामने कोई ऐसी बच्ची बैठ जाए वो मेकअप के बगैर बहुत प्यारी है, लेकिन आपको उसकी शक्ल देख के पता है कि ये ज्यादा मेकअप इस पे जचेगा नहीं। मैं बिल्कुल, और निदा अब तो एक्सपीरियंस के साथ टाइम के साथ ऐसे पता चल जाता है फौरन देखते हुए कि इसके लिए क्या अच्छा है। तो वो मैं उन बच्चियों को समझा देती हूँ। और आजकल अच्छी बात यह है कि जिस बच्ची को पता होता है कि मुझ पे ज्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता, उसको मालूम होता है, तो इसलिए मुझे उसको कन्विंस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो खुद आके कहती है कि नहीं मुझे इतना ज्यादा इतना लाउड मेकअप नहीं चाहिए। और लोग मान जाते हैं अल्लाह का शुक्र कि वो ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करते हैं ना, ट्रस्ट करते हैं। जैसे आपने एक नाम बना लिया फील्ड में तो सबा की वो सुनते होंगे। बिल्कुल, जो नए लोग आए उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और विद टाइम जब आपका एक्सपीरियंस होता है और जब आप काम कर रहे होते हैं और जब आप अच्छा काम दे रहे होते हैं और लोग देख रहे होते हैं तो वो आपको ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट है बिल्कुल।